आइए अब हमारे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी हमारे कह लीजिए कि मुरब्बी भी हैं, हमारे मुशीर भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं और हमारे हरदिल अजीज भी हैं, जिससे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मसूद साहब कासमी उस्ताद मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम मगरावा आजमगढ़। मैं हजरत वाला से बड़ी ही आजिजाना दरखास्त करता हूँ कि हुजूर वाला तशरीफ लाए और अपने सदारती कलाम को पेश फरमाए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, आप हजरात के इल्म में ये बात है कि आज का ये प्रोग्राम, आज की ये मजलिस दो तरह की है। एक इस्लाहे मुआशरा का उन्वान है, दूसरा उन्वान है नातिया मुशायरा। इस्लाहे मुआशरा, मुआशरा किसको कहते हैं? हम सब मिलजुल कर रहते हैं, इसी का नाम मुआशरा। इस मुआशरे की इस्लाह कैसे हो, मुआशरा हमारा, हमारा माहौल किस तरह अच्छा बन जाए, इसकी कोशिशें होती रहती हैं, प्रोग्राम होता रहता है, मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ जमातें इस तरह का प्रोग्राम करती रहती हैं। लेकिन आप देखते हैं कि मुआशरे में बजाय इस्लाह के खराबियां ही पैदा होती जाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी कोई जमात, कोई तंजीम मुआशरे की इस्लाह के लिए उठती है तो वो जमात ये चाहती है कि दूसरों से हम मुआशरे की इस्लाह शुरू करें, उस तंजीम से जुड़े लोग ये चाहते हैं कि दूसरों से हम मुआशरे की और माहौल की इस्लाह शुरू करें, जिसका नतीजा ये होता है कि दूसरों के अयूब तलाश किए जाते हैं, उनको बयान किया जाता है और इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, मुआशरे की इस्लाह नहीं होती। मुआशरे की इस्लाह उस वक्त होगी जबकि हम सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, अपनी जात से शुरू करें। हमें यकीन है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं,
कितनी कोताहियां हैं उनको हम अपने बारे में जानते हैं, यकीन है, फिर भी हम अपनी जात से मोहब्बत करते हैं। और दूसरे के बारे में अगर शुबहा हो जाता है कि फलां के अंदर ये कमी है तो उससे हम नफरत करने लगते हैं, उसके अयूब को बयान करने लगते हैं, इससे मुआशरे की इस्लाह नहीं होगी बल्कि मजीद बिगाड़ पैदा होगा। मुआशरे की इस्लाह करनी है तो सबसे पहले अपनी जात से शुरू करें, फिर उसके बाद अपने घर वालों से शुरू करें। जैसा कि कुरान पाक की आयत करीमा जो मैंने अभी तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीन आमनु। देखिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इंसानों को खिताब करते हैं तो तीन तरह से खिताब करते हैं। कभी तो अल्लाह पाक फरमाते हैं या बनी आदम, ए आदम की औलाद, सारे इंसान आ गए। कभी अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल इंसान, ए लोगो, इसमें भी सारे इंसान आ गए। और कभी अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए मेरे वो बंदो जो मुझ पर ईमान लाए। अल्लाह पाक अपने रिश्ते का हवाला देकर खिताब फरमाते हैं। इसको आप अपनी जबान में यूं समझें, अपने माहौल के एतबार से आप अपने बच्चे को पुकारते हैं, कभी आप उसका नाम लेकर बुलाते हैं तो वो डर जाता है, ए फला इधर आओ, वो डर जाता है, पता नहीं क्या बात है, डांट पिलाएंगे, मारेंगे, क्या जुर्म किया है। लेकिन अगर उसी बच्चे को आप बेटा कहकर बुलाते हैं तो वो शौक से आता है। अब उसके अंदर से डर और खौफ खत्म हो जाता है, वो जानता है कि मेरे अब्बू मुझे बेटा कहकर बुलाए हैं तो मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, कोई अच्छी बात कहेंगे या कोई चीज देंगे, वो शौक से आपके पास आता है। तो इसी तरीके से मेरे मुख्तरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने ईमान वाले बंदों को खिताब फरमाते हैं तो या अय्युहल्लज़ीन आमनु, अल्लाह पाक अपने रिश्ते का हवाला देकर ईमान वालों से कहते हैं कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि पहले अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। कौन सी आग? वकूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन ये कोयले ये लकड़ियां नहीं है बल्कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। कैसे बचाएंगे? पहले अपनी जात से शुरू करें, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करें, आप खुद नमाजी बने, उसके बाद अपने घर वालों को देखें कि उनके अंदर जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं उनको दूर करें, उनकी तरबियत करें। हम और आप क्या करते हैं? जब बच्चा छोटा होता है, मारने के लायक होता है, अगर उसको मारता है बाप तो मां कहती है क्यों मार रहे हैं, अभी तो बच्चा छोटा है, क्यों डांट रहे हैं, अभी छोटा है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, उसको खेलने कूदने दीजिए। चलिए भाई वो छोटे में चला गया। और जब बड़ा हो जाता है, अब बाप कहता है कि ये तो कहना ही नहीं मानता, क्योंकि उसकी बचपन से तरबियत नहीं की गई है अच्छी। बचपन में तो यूं कहा गया कि अभी छोटा है, अभी खेलने कूदने के लायक है, तरबियत नहीं की गई। अब वो जवान हो गया, अब अगर उसको बाप डांटता है या मारता है तो वही माँ क्या कहती है, अब ये मारने के लायक है, जवान हो गया है। बचपन में तो ये कहा कि छोटा है, मारने और डांटने के लायक नहीं है, बड़ा हो गया तो ये कहा जा रहा है कि जवान है, मारने और डांटने के लायक नहीं है। तो कब उसको डांटा जाएगा, कब मारा जाएगा, कब उसको समझाया जाएगा? ये हमारी कमियां हैं, हमारे घरों की, हमारे जिम्मेदारों की कमियां हैं। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं पहले अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। हम और आप क्या करते हैं? दो चार मरतबा कह देते हैं बेटा नमाज पढ़ा कर, खुद भी नमाज की पाबंदी नहीं करते। जब खुद नहीं करते हैं तो बच्चा कैसे करेगा? आप खुद बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बच्चे को यूं कहें कि बीड़ी मत पिया करो, सिगरेट मत पिया करो, पुकार मत खाया करो, और आप खुद खाते हैं तो वो बच्चा क्या समझेगा? वो तो यही समझेगा
कि इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बस इतना करेगा, आपका अदब करेगा, आपका लिहाज करेगा तो आपके सामने नहीं खाएगा। लेकिन उसके दिल में यह है ना कि मेरा बाप खा रहा है, मेरा चचा खा रहा है, मेरा बड़ा भाई खा रहा है, मेरा बड़ा भाई पी रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई आयब नहीं। और अगर आप खुद छोड़ दें, नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, अब बच्चे से कहेंगे तो उस पर असर होगा। इसी तरीके से आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, बच्चे से कहेंगे उसका असर नहीं होगा। इसलिए कि बच्चा ये समझेगा कि नमाज बहुत जरूरी नहीं है, अगर जरूरी होती तो मेरे अब्बू भी पढ़ते, मेरे चचा भी पढ़ते, मेरे भाई भी पढ़ते, मुझसे कहते हैं लेकिन खुद तो पढ़ते नहीं। बहुत अदब करेगा तो आपके सामने आपका जवाब नहीं देगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जवाब भी दे देगा कि आप तो खुद नहीं पढ़ते, मुझे क्यों कह रहे हैं, मुझे क्यों डांट रहे हैं। तो हम और आप क्या करते हैं, कहते हैं कि बच्चा जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, कहते हैं नमाज के लिए, लेकिन जाता नहीं। इतना कहने से अल्लाह के यहां छुटकारा नहीं होगा मेरे मोहतरम। अल्लाह पाक जब पूछेंगे कि ये आयते करीमा जो तुम्हारे सामने पढ़ी गई, जिसकी तिलावत तुम करते थे कि अपने आप को आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ, दुनिया की आग, मिसाल के तौर पर आपका एक छोटा बच्चा है, अभी वो चलने के लायक नहीं है या चलना शुरू किया है, ठंडक का मौसम है, आग जली हुई है, खूब दहक रही है, और वो बच्चा उसको कोई फूल समझ रहा है, कोई खिलौना समझ रहा है, और वो रेंगते हुए वो बच्चा आग की तरफ जाता है, तो कौन ऐसी माँ है या कौन ऐसा बाप है जो दूर से ये कह दे कि बेटा मत जाओ, आग है, जला देगी, ये कहकर रुक जाए, कौन ऐसा बाप है? नहीं, आप कहेंगे बेटा मत जाओ, वो फिर भी जा रहा है तो दौड़कर आप उसको पकड़ेंगे, अगर वो रोता चिल्लाता है तब भी आप उसको पकड़ेंगे, उसके रोने चिल्लाने की फिक्र नहीं करेंगे, उसको पकड़कर हटाएंगे, इसलिए कि आप जानते हैं कि वो उसको जला देगी, बच्चा अभी ना समझ। तो जैसे दुनिया की आग से बचाने के लिए आप अपनी नींद कुर्बान करते हैं, आप अपना आराम कुर्बान करते हैं, सिर्फ ये कहकर काम नहीं चलाते कि बेटा मत जाओ वो जला देगी, आप उसको पकड़ते हैं, इसी तरीके से जहन्नम की आग से बचाने के लिए इतना कह देना कि बेटा नमाज पढ़ा करो, दो चार मरतबा कह देना, ये काफी नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ ये जवाब ना मुकम्मल होगा, ये काफी नहीं होगा। तो मेरे मोहतरम, मुआशरे की इस्लाह करनी है तो सबसे पहले अपनी जात से शुरू करें, फिर अपने घर वालों से शुरू करें, फिर मोहल्ले और पड़ोस से शुरू करें, और मोहल्ले फिर गांव से शुरू करें, और इस तरीके से करें कि दूसरों को ऐसा न महसूस हो कि ये हमारा ऐब तलाश कर रहा है या हमारा ऐब लोगों के सामने बयान कर रहा। नहीं, अगर आप किसी के अंदर कोई ऐब देखते हैं, कोई बुराई देखते हैं, तो उसको तन्हाई में समझें। अगर मजमे के सामने आप बयान करते हैं, दो चार लोगों के सामने बयान करेंगे, तो बजाय ये कि वो लड़का या वो नौजवान सुधर जाए, वो और बदतमीजी पर आ जाएगा, उसके अंदर और अकड़ पैदा हो जाएगी, वो ये समझेगा कि मुझको लोगों के सामने बेइज्जत कर रहे हैं, अब मैं करूंगा, देखें क्या कर लेते हैं। तो उसको तन्हाई में समझाएं, अकेले में समझाएं, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हर शख्स की जिम्मेदारी है, अपने घर वालों को, अपने महल्ले के लोगों को, अपने गांव के लोगों को समझाएं, अच्छे तरीके से समझाएं, अच्छी तरबियत करें, तब जाके मुआशरे की इस्लाह होगी। और यहीं तक नहीं है, मैंने हदीस पाक पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, कि तुम में से हर शख्स निगरा है और हर शख्स से उसकी मातहती में रहने वालों के बारे में सवाल किया जाए। हदीस पाक
बड़ी लंबी हदीसे पाक है कि मर्द निगरा है उससे उसके बेटे और उसकी बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा, बीवी भी निगरा है उससे उसके उसकी औलाद और उसके शौहर के बारे में सवाल किया जाएगा, हर शख्स निगरा। मिसाल के तौर पर आप उस्ताद हैं तो आपसे आपके शागिर्दों के बारे में भी सवाल किया जाएगा कि आपने उनको उनकी अच्छी तरबियत की थी या नहीं की थी। आप कोई दुकान चलाते हैं तो उस दुकान में जितने नौकर आपके हैं उन नौकरों के बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा कि उनकी तरबियत की थी कि नहीं, उनको दावत दिए थे या नहीं दी थी। आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं तो उस फैक्ट्री में जितने मुलाजिम हैं उन मुलाजिमों के बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि अपने घर वालों को सुधार लें या अपनी जात को सुधार लें तो बस बेड़ा पार हो गया, नहीं, हर शख्स निगरा है और हर शख्स से उसकी मातहती में रहने वालों के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए मेरे मुख्तरम, आप मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं तो अपनी जात से शुरू करें और फिर उसके बाद अपने घर वालों से, अपने महल्लों से, और देखें आज हमारा क्या हाल है। हमारा ये हाल है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करते। आप खुद अमल करें, अपने घर वालों को अमल कराएं। आप देख लें हम क्या कहते हैं, हमें तो फराइज पूरे कर नहीं पाते, सुन्नत की बात आती है तो कहते हैं अरे सुन्नत ही तो है, फर्ज तो नहीं है। याद रखें, सुन्नत को ये कहकर कि सुन्नत ही तो है ये कहकर छोड़ देंगे, इससे काम छुटकारा नहीं मिलेगा, इससे आप कामयाब आखिरत में नहीं हो सकते। मुआशरे में ये भी है, इस्लाह ये इस तरीके से होगी कि आप सुन्नत पर अमल करें, आप अपने पूरे जिस्म को, अपने लिबास को सुन्नत के मुताबिक ढालें। आप देखें किस आज हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में क्या है कि हर शख्स अपनी हैसियत के एतबार से हर सामान उम्दा क्वालिटी का पसंद करता है। अपनी हैसियत के एतबार से आप जाते हैं कपड़ा खरीदने, उम्दा क्वालिटी का होना चाहिए। जूता खरीदने, चप्पल खरीदने गए, उम्दा क्वालिटी का होना चाहिए। कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, उम्दा क्वालिटी का सामान होना चाहिए, फला कंपनी का होना चाहिए तब लेंगे, और उसके लिए आप अच्छी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरीके से याद रखें, कल कयामत में जिस आपके जिस अमल पर सुन्नत की मोहर लगी होगी वो अमल कबूल किया जाएगा, और जिस अमल पर सुन्नत की मोहर नहीं लगी होगी वो अमल रद्द कर दिया जाएगा। जैसे आप बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, फला कंपनी का नहीं है हमें नहीं चाहिए, ये उम्दा क्वालिटी का नहीं है हमें नहीं चाहिए, आप रद्द कर देते हैं। इसी तरीके से कल आखिरत में जिस अमल में सुन्नत की मोहर लगी होगी वो अमल कबूल किया जाएगा, और जिस अमल में सुन्नत की मोहर नहीं लगी होगी वो अमल कबूल नहीं किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आप सुन्नत को यूं ना समझे कि सुन्नत ही तो है। आप देखें, एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है, उसको संवारा जाता है, उसको संवारा जाता है, उसके एक एक उज्व पर जेवर, और उसके एक एक उज्व को जेवर से संवारा जाता है, आरास्ता किया जाता है, जेवर पहनाया जाता है, उसकी सहेलियां उसकी तारीफें करती हैं, लेकिन वो खामोश बैठी रहती है कि जिसके लिए संवारा जा रहा है अगर वो तारीफ कर दे तो फिर ठीक है, और अगर वो तारीफ नहीं करता है तो सारा बनाव सिंगार बेकार है। इसी तरीके से मेरे मुख्तरम, हम अपने एक एक इबादत को, एक एक अमल को संवारें और उस पर सुन्नत की मोहर लगवाएं। आप देख लें, हमारा जिस्म है, हमारा बाल है, हमारा लिबास है, क्या सुन्नत के मुताबिक है? हम अपने एक एक उज्व को सुन्नत के मुताबिक ढाल दें, एक एक अमल को सुन्नत के मुताबिक ढाल दें, तब कल कामयाब होंगे आखिरत में, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते। इस तरीके से जलसे कराते रहें और इस तरीके से कमेटियां बनाते रहें मुआशरे की इस्लाह की, लेकिन इस मुआशरे की इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि खुद हम अपनी जात से और अपने घर वालों से शुरू न करें और सुन्नत पर अमल न करें। जब सुन्नत पर अमल शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमारा मुआशरा, जब हर शख्स
हर शख्स अपने घर की निगहबानी कर ले तो मुआशरा सुधर जाएगा। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम दूसरों के बारे में तो सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। दूसरों के अयूब तलाश करते हैं, उनको बयान करते हैं, जबकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वैलुल लिकुल हुमज़ातिल लुमज़ा, कि ऐब जो और ऐब गो दोनों के लिए हलाकत है। हम में से बहुत से अफराद ऐसे होते हैं जो ऐब तलाश करने वाले होते हैं, उनके उनके अंदर बीमारी होती है, वो लोगों के ऐब तलाश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के ऐब जगह जगह बयान करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों बीमारियां होती हैं, अयूब तलाश भी करते हैं बयान भी करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं उनके लिए हलाकत है। वैल के माने आते हैं हलाकत के भी, और बाद मुफस्सरीन ने तफसीर की है कि वैल कहते हैं जहन्नम का एक इलाका है, उस इलाके में ऐसे लोगों को डाल दिया जाएगा जो लोगों के अयूब तलाश करते हैं और बयान करते हैं। आज हम ये हमारा काम यही है, हमारा हाल यही है, किसी चौराहे पर बैठकर, किसी होटल पर बैठकर दूसरों के अयूब तलाश करते हैं और बयान करते हैं, और ये चाहते हैं कि मुआशरे की इसलाह हो जाए। इस तरीके से मुआशरे की इसलाह नहीं होने वाली है। पहले अपने अंदर से इन अयूब को खत्म करें, अपनी जात से शुरू करें, अपने अंदर से इन अयूब को खत्म करें, उसके बाद मुआशरे की इसलाह होगी, वरना मुआशरे की इसलाह नहीं हो सकती। चूंकि ये प्रोग्राम, इसके बाद नातिया मुशायरा भी है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, और एक बात और कहना चाहता हूं कि मुशायरा करें, नातिया मुशायरा करेंगे, रात भर जागेंगे, लेकिन नमाज फज्र कदा नहीं होनी चाहिए। जिस चीज के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं कि हमारे मुआशरे की इसलाह हो, तो सबसे पहली चीज है कि नमाज का एहतमाम करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जाते हैं जलसों में, इसी तरीके से इज्तिमा में जाते हैं, तो क्या देखते हैं, अगर भीड़ है तो जलसा कामयाब, मुकर्रर ने जोशीली तकरीर कर दी है तो जलसा कामयाब। इसको कामयाबी नहीं कहते कि भीड़ हो गई तो कामयाब, या किसी का जोश देखकर आप कहते हैं कि जलसा कामयाब, नहीं। कामयाबी तो ये है कि आप जो बात सुने उस पर अमल शुरू कर दें, तब जलसा कामयाब हुआ। और अगर अमल नहीं शुरू करते हैं तो फिर कामयाबी नहीं है जलसे की। इसलिए अमल की नीयत से उलमाए किराम के बयानात सुना करें, जब भी सुने अमल की नीयत से सुने, और वहां से कुछ लेकर उठें और उस पर अमल शुरू कर दें। तो कम से कम आज से ये बात तय कर लें कि हम दूसरों को अयूब तलाश नहीं करेंगे, दूसरों के अयूब नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, होटलों पर बयान नहीं करेंगे, अपनी जात से, अपने घर वालों से इसलाह शुरू करेंगे, फिर महल्ले में बढ़ेंगे, फिर उसके बाद गांव में बढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा मुआशरा, हमारा माहौल अच्छा बनेगा, और नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين। جزاك الله أحسن الجزاء। हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए, अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। मोहतरम हजरात, मुफ्ती साहब ने जिस उनवान से आप लोगों की समातों को, आप लोगों की समातों तक अपनी बातें पहुंचाई है, यकीनन हमारे मुआशरे के लिए उन बातों को जेरे अमल में लाना जरूरी है।